नाजरीन 94 लाइव में आपको खुश आमदीद। नाजरीन हमारी ये जो वीडियो है, कल भी इसी टॉपिक पर वीडियो थी हमारी, आज फिर से वही हमारे दोस्त जो कल वाले मेहमान थे, फिर से वही दो हमारे मेहमान हैं, दस्सर शाह साहब और सदार रिटेलर यूनियन के सदर और फैसलाबाद रिटेलर यूनियन के नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आज हमने राय लेनी है, हुकूमत से क्या अपील है इनकी, हुकूमत को क्या पैगाम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये हमारे भाई जी। मियां साहब की पैगाम देना चाहते हो और मुल्क के हालात मद्देनजर रखते हुए तुम की दसना चाहते हो, कि यानी कि अपनी राय लेना चाहते हो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं 94 चैनल वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने सर मैनू इस काबिल समझिया कि मैं अपने प्रोग्राम में बुलाया। बाकी दूसरे नंबर पर मुल्की हालात जोड़े आ ना, जो इस टाइम मुल्की हालात जा रहे हैं, मैं एक सरदार रिटेलर यूनियन का सदर और फैसलाबाद यूनियन का जो मैं नायब सदर है, वहाँ तो मुल्की हालात जोड़े आ ना, अज तकरीबन 15 दिन हो चले आ, ठीक है। कारोबार सारे मुल्क के थप्पे आ, दुकाना साड़िया सारे दुकाना दारिया दुकाना रिटेलर दारिया बन जा रही वा, तो बड़े परेशान आ, ठीक है। बिजली के बिल और दुकाना के किराए सारे जिन्हें भी रिटेलर हजरात है ना, उन्होंने दुकाना के किराए बहुत आ, 15,000 किसी का 20,000 किसी का 15,000, बड़े परेशान आ, और घरेलू अखराजात भी बहुत ज़्यादा वा। तो और ये वबा जी है ना, ये अगे 7 तरीक का लॉकडाउन से अगर 14 का दस दिता, हूँ फिर अगे भी वाधा रहना वा, क्योंकि जो हुकूमत ने हम आवाज़ दी है ना कि अगले 21 दिन बहुत कुछ होने वाला वा, तो बहुत परेशान आ। यकीन कर लो मेरे जो है दुकानदार भरा बड़े परेशान आ, उन्होंने कारोबार बंद पे आ, और कोई निज़ाम नहीं है, कोई कंपनी दावन नहीं कर रही, और कोई अपना जो है ना सारे जो है फ्रेंचाइजा कोई भी कोई किसी सूरत हल सा दावन नहीं कर रही। तो बाकी साड़ी इमरान खान अगे अपील आ कि माशाल्लाह इमरान खान असं सलूट करते हैं, इस औखी घड़ी देवाम दे खड़े आ, आवाम का पूरा साथ दे रहे आ, उसकी हुकूमत जी है टीम वह भी पूरा साथ दे रही आ। बाकी जोड़े है साढ़े मुसलमान भरा वह माशाल्लाह गरीबों की पूरी हेल्प कर रहे आ, राशन पानी वंड रहे आ। साड़ी जी यूनियन आ उन्हें भी माशाल्लाह बड़ा तावन किया वा, बकायदा नंबर असी अपने ग्रुपां दे विच शेयर किए थे और सानू कालां कीतियां वा, असी अपना गरीबों को राशन जिहड़ा साड़ी यूनियन दिता वा। मैं अपने सदर जिहड़े मलिक सलीम साहब और सरप्रस्ते आला जवेद भट्ट साहब और जिहड़े सरप्रस्ते आला जवेद भट्ट साहब और दूसरा जिहड़ा हैगा सैकटरी साहब सलीम साहब, ये इन्हों का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ। ये एक फीस बिलीला काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एक यूनियन बनाई आ, एक फीस बिलीला काम कर रहे हैं, दुकानदारों जोड़ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने मसले मसैल साढ़े नाल बह के हल कर रहे हैं, बहुत शुक्रगुजार हाँ कि वो इस नेक काम के हर टाइम आवाम की खिदमत वास्ते खड़े आ। उन्होंने तरफों और मेरी तरफों इमरान खान अगे अपील आ कि बराए मेहरबानी मुल्की हालात जोड़े आ बहुत 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 खराब जा रहे हैं, कारोबार साढ़े बिल्कुल बंद पे आ, तो बराए मेहरबानी करके साढ़े जोड़े मालकान है वो किराएदार अपना दुकाना के मालक है उन्होंने नोटिस जारी करे ताकि वो साढ़े जोड़े है किराए कम से कम किराए इन्ने ज़्यादा साढ़े सिर चढ़ गए, और पता नहीं पहले एक महीने का हो गया अगे की सूरत आ रहनी आ। तो बराए मेहरबानी इमरान खान अगे साड़ी ये रिक्वेस्ट आ कि साढ़े वो मका दुकाना जो मालकों को किराया जो नोटिस जारी किया जाए ताकि वो साढ़े जो है वो नरमी इख्तियार कर। बाकी जो अपना इमरान खान की हुकूमत तो असी और अपना जी फौज है डॉक्टर और पुलिस वाले सर उन्होंने साढ़ा अर्था कह रही तो सलूट आ, माशाल्लाह इस औखे टाइम के आवाम की फुल खिदमत कर रहे हैं, मरीजों को देख रहे हैं, सब कुछ अपना पूरा स्थापन कर रहे हैं जी। हमारे इस भाई ने राय दी है कि राय ने अपील की है इमरान खान साहब से, हमारे दुकानों के किराए ज़्यादा हैं, जो मालक दुकानों के मालक हैं उनसे अपील की जाए कि हमारे जो किराए कम किए जाएँ या किराए माफ़ किए जाएँ। तो उसके अलावा इन्होंने सलाम पेश किया है डॉक्टरों को, फौज को और इमरान खान साहब को, तो मेरा भी सलाम है इनको, क्योंकि ये हमारे हीरो हैं इमरान खान साहब और उनकी टीम, हमारी फौज डॉक्टर जो पुलिस वाले अच्छे तरीके से ड्यूटी निभा रहे हैं, उन्होंने साडा सलूट आ। तो हमारे दूसरे मेहमान दस्सर शाह साहब,
ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਕਤ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮ ਇਨਨਾ ਤੁਆਇਨਾ ਕਲ ਕੌਸਲ ਸਲਬੇ ਕਬਲ ਹਰ ਨਸ਼ਾਨ ਅੱਕਾ ਹੋਵਾਲਾ ਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ ਉਹ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਾਲਬਨ ਕੁਜਰਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਤਾਸਰੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਗਾਇਆ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜੂਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੈ ਵੋ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ ਵੋ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-50 ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਖੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਤਰੀਕਾ 'ਤੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਰ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਗਿਲਾ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕਾ ਤੋ ਕਾਮ ਯਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੀਆ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਕਾਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕਾ ਕੀਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਅਟੈਗਰ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਟੈਗਰ ਫੋਰਸ ਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜਵਾਨ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈਓ ਸੇ ਦੁਆ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਜਾਏ ਔਰ ਖੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂ ਜੀ, ਜੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਤਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ।